subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पहली बात तो ये कि जी जरूर जावेद हाशमी साहब को बिल्कुल बुलाना चाहिए, बुला के पूछे उन्होंने आपने क्यों कहा था। पहला बड़ा फैसला बाय दी वे जावेद हाशमी की ये स्टेटमेंट देने के बाद जो बड़ा फैसला आया था वो जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट थी, इसी जुडिशियरी ने ली थी और मुस्लिम लीग नून ने सेलिब्रेशन की थी, उन्होंने कहा था हमारे हक में फैसला हो, तो पहला बड़ा फैसला ये आया था। दूसरा ये कू कौन सा हुआ है जनाब, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, शायद खाकान अब्बासी डेजिग्नेट ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त वजीर आजम बैठे हुए, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ये क्यों कौन सा हुआ है। और वो दूसरे पॉइंट से रिलेटेड है कि ये चोर चोर क्यों कह रहे हैं, भाई अगर किसी ने चोरी की उसको चोरी कहेंगे ना, चोर को मर्डरर तो नहीं कह सकते, अब उसको कातिल तो नहीं बेचारे को कहना शुरू कर देते। अगर चोरी की तो एक आदमी नहीं कि जी दो लोग एक ही लफ्ज क्यों इस्तेमाल करें, दो क्या सौ लोग बोलेंगे तो सौ यही बोलेंगे कि चोरी हुई है। लेकिन वो और बात है कि जुडिशरी ने चोर कहा नहीं था, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि बताइए कि क्या कोई चोर बन सकता है। अब वो मरियम ने अपने दिल में ले लिया, उन्होंने कहा कि मेरे वाले साहब की बात हो रही है तो इसमें उस बेचारे जज का क्या कसूर है। आखिरी चीज अकामा के ऊपर मैं क्विकली कह दूं, अकामा जो है वो सिर्फ तनख्वाह न लेने की बात नहीं है, जिस कंपनी का अकामा वो छुपा के बैठे हुए थे उसी के थ्रू मल्टी मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। वो जो एसेट लिखा हुआ सर, ये मैंने तो फैसले में ही पढ़ा है, मैं तो फैसले के अंदर ही पढ़ा है, इस बात पे डिस्क्वालीफाई किया कि मनी लॉन्ड्रिंग सऊदी अरेबिया से, पूछिए सऊदी अरेबिया से जी, मैं भी पढ़ा है, मैं बता देता हूँ, सऊदी अरेबिया से जो हिल मेटल्स का 89%, ये मेरी कैलकुलेशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है, 89% प्रॉफिट जो है वो इस दुबई की कंपनी के जरिए जिसका अकामा मियां साहब के पास था वो वहां पे गया। उन्होंने सजा जो दी है जनाब, उन्होंने बड़ी सादा सी दी है, उन्होंने कहा ये आपने वायलेशन की है, इसकी सजा ये होगी। ये लिखा है कि मनी लॉन्ड्रिंग पे हम इंक्वायरी कर रहे हैं, भाई तो बोल रहा हूं सर, मुझे मुकम्मल करने दे, अभी बता देता हूं उन्होंने क्या लिखा है। पांच जजेस के एक के भी हकायक के ऊपर दो राय नहीं थी, जजेस ने तो फैसला ही नहीं दिया, तीन ने दिया, पांच जजेस पुरानी बात, पांच जजेस ने फैसला दिया सर, इसके ऊपर तीन जजेस, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ चुकी है कि वो दो जजेस की जजमेंट स्टैंड करती है, ये पांचों जजेस की जजमेंट है, दो ने कहा फैक्ट्स पे कोई दो राय नहीं थी, दो ने कहा हमें और कोई मजीद कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं है, डिस्क्वालिफाइड इनको सजा दी जाए, दूसरे तीन ने कहा नहीं इनकी चोरी जो पकड़ी गई है उसके लिए इनको मौका दिया जाए कि ये ट्रायल कोर्ट में जाके अपने आप को डिफेंड करे। उन्होंने कहा है चोरी पकड़ी गई, उन्होंने कहा अरबों रुपए के असासे हैं जिसका ये जवाब नहीं दे सके, जिसकी मनी ट्रेल नहीं दे सके।